क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? यहाँ तक आ गए हो तो अंदर भी आ जाओ। तुम मेरे आने से खुश नहीं हुई? तुम बताओ, मुझे खुश होना चाहिए या नहीं? रबिया, जो मैंने तुम्हें कराची में कहा वो मुझे नहीं कहना चाहिए था। तुम वापस क्यों आए हो फराज? किसी ने सही कहा है कि चाहत का अंदाजा दूरी में होता है। तुमसे दूर होने के बाद मैंने खुद से एक सवाल किया कि मेरे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, तुम्हारी खुशी या मेरी खुशी? एक ही जवाब मिला, हमारी खुशी। अब देखो ना, इतने सालों के बाद हम अलहदा होने के लिए तो नहीं मिले ना, क्यों? और बच्चा, उसकी खुशी भुला सकोगे? अगर तुम बुला सकती हो तो मैं भी बुला लूंगा। मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि किसी वक्त की खुशी के लिए तुम सारी जिंदगी का गम अपने दिल में दबाए रखो। रबिया, ये वक्त की खुशी मेरे लिए बहुत जरूरी है। तुमने सही कहा था कि इस उम्र में हमारे यहाँ बच्चा होना अच्छा नहीं लगेगा। अब इंशाल्लाह जिला का बच्चा होगा, हम उससे काम चलाएंगे। अब देखो ना, दुकान पर जाकर पेपर मांगने तो अच्छा नहीं लगेगा ना कि भैया दो पेपर मुझे दे दो। दो पेपर क्यों? एक बच्चे के लिए और दूसरा अपने लिए। तुम बहुत अच्छे एक्टर हो, पर इतने भी नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से ये फैसला किया है, मुझे कमजोर मत करो प्लीज। अरे नबी, तुम कहाँ आवारा फिर रहे हो? नानी, वो हमने कहा हमारा कर दिया करनी है, हम तो हैं राही प्यार के, हमसे कुछ ना पूछे भाई। अच्छा अच्छा, बड़े रोमांटिक मूड में हो तुम। अरे नानी, बंदा तो हमेशा ही रोमांटिक मूड में होता है। तो जब निकाह पर इनकार किया था तो फिर क्या हुआ था? आपको बड़ी हंसी आ रही है। अरे भाई, जो भी सुनेगा ना ये बात हंसेगा जरूर। नानी, शुक्र करें मेरी शादी नहीं हुई, वरना कुछ लोगों के दिल टूट जाते। अच्छा अच्छा, और वो लोग कौन थे नबील मियां? नानी, है कुछ लोग इधर उधर यहाँ वहाँ। अच्छा, ज्यादा शो मारने की जरूरत नहीं नबील। ये बताओ, लड़कियाँ कहाँ? नानी, वो सिला के रूम में होंगी। वो लैला कह रही थी कुछ थाल टाइप चीजें सजानी है, मैंने तो बोल दिया कोई जरूरत नहीं है। क्यों, थाल नहीं सजाएंगी तो माइयों पर क्या करेंगे? नानी, वो अगर माइयों हो ही ना तो। कैसी बातें कर रहे हो, क्यों ना हो माइयों? अजीब बात है। अच्छा, ये बर्तन उठा के जरा किचन में रख देना, मैं देखूं लड़कियां क्या कर रही हैं। जी, अंदर आ सकती हूँ? अरे सिला, सब ठीक तो है, आओ अंदर आओ। क्या हुआ? तुम कहती मैं तुम्हारी तरफ आ जाती, वैसे भी अब शाम को माइयों पे तो मिलना ही था। देखिए सबा, मैं नहीं चाहती कि आप माइयों या शादी पर आए। मैं समझी नहीं सबा। ये मेरे फैमिली का मामला है, पूरा ख़ानदान आया हुआ है, मैं उनके सामने कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती। जब सब चले जाएंगे, शादी ख़त्म हो जाएगी, तब डिस्कस कर लेंगे। तुम क्या कह रही हो? स्टॉप एक्टिंग सबा, जैसे कि आप जानती नहीं है मैं क्या कह रही हूँ। मैं नहीं जानती तुम क्या कह रही हो।
मैं आपके और आज़र के बीच जो चल रहा है उसकी बात कर रही हूँ। देखिए, मैं कोई कॉम्प्लिकेशन क्रिएट नहीं करना चाहती। मैं आपको सिर्फ ये बताने आई हूँ कि इस वक्त मेरी फैमिली बहुत टेंशन में है और इस इशू को इस टाइम पर मैं नहीं फैमिली के सामने छेड़ना चाहती। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सिला? सब आप ठीक तरह जानती हैं मैं क्या कह रही हूँ। आज़र का देर देर तक ऑफिस पर रुकना, लेट घर आना, आपका घर तक पहुँच जाना और यहाँ पहुँच जाना, आई मीन यू आर अट्रैक्टिव, आप उसकी बॉस हैं, डिवोर्स्ड हैं, और फिर आज़र के साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट। तुमको पता है कि तुम क्या बात कर रही हो? जी मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, शायद आपको नहीं पता कि आप क्या कर रही हैं। इधर उसका बच्चा हो रहा है। आई थिंक यू शुड जस्ट स्टॉप दिस रबिश नाउ। मैंने आज़र से अलहदा होने का फैसला कर लिया, यही चाहती थी ना? नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती थी। बिल्कुल, इसीलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आपके साथ गुजारता है। प्लीज सिला, जस्ट स्टॉप नाउ एंड आई थिंक यू शुड लीव। क्यों, सच सुनकर तकलीफ हो रही है ना आपको? अब समझ आए कि आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी? साहब आपने बड़ी ज्यादती की है, इतने दिन लगा दिए आने में। वो जी बस कुछ मसरूफियात ही ऐसी थी, इस वजह से थोड़ी देर हो गई। अंकल आपको तो पता ही नहीं है, इतनी प्रमोशन तो आपकी फिल्म की रिलीज की नहीं हुई होगी जितनी मम्मी जी ने आपकी शादी पर आने की हुई है। अच्छा, चल वे चुप कर। खाम खा, हुन सालियां गल्ला करन दी कोई लोड़ नहीं गी। अस्सलामुअलैकुम। अरे वालेकुम। क्या हाल है इब्राहिम साहब? खैर भाई, क्या बात है चौधरी साहब, नजर नहीं आ रहे, कहाँ थे आप? मैं जी जरा टेंट वालों को नबेड़ रहा था। वैसे चौधरी साहब जवान जवान लग रहे हैं। सहमा जी, इनका चेहरा खिला खिला लग रहा है, कहीं दूसरी शादी का इरादा तो नहीं है? कर तो लिए इन्होंने, और क्या करना है जी? क्या मतलब पुत्र जी, हम तुम्हारी माँ से शादी कर ली है ना, अब दो तो नहीं ना करनी है। वैसे आपने बड़ी ज्यादती की है फराज साहब। अरे नहीं नहीं चौधरी साहब, मैं तो मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी। ओए इधर आओ, मेरे साथ बैठ के काम करवाओ सारा। यार देखो मुझे जरा काम है, एक्सक्यूज मी। किन किन काम में फंसे हो आजकल, जरा हमें भी तो कुछ बताओ। कुछ नहीं ना सुखी यार, डॉली से बात करने आए है ना? जितनी जितनी शादी करीब आती जा रही है, तुम्हारा दिल और धक-धक कर रहा है ना? इस तरह बोलो कुछ सुन लेगा। तो फिर ठीक है, इधर आओ और मुझे सही सही सारी बातें बताओ। Oh, I love this part. बोलो, 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 बोलो। कुछ नहीं यार, वो शादी अटेंड करने आए हो ना? झूठ झूठ झूठ। आहिस्ता बोलो। तो फिर सही सही बताओ कि बात क्या है? अच्छा ओके, वो एक्चुअली ना मैं ये शादी तोड़वाने आया हूँ। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। You're kidding, right? No, I'm serious, यार। Double heart attack. लैला। चुप हो जाओ तुम अभी। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी शादी नहीं हो रही तो तुम किसी की भी शादी नहीं होने दोगे? देखो किसी की शादी हो या ना हो, मगर ये शादी नहीं हो सकती। क्यों? क्यों क्या है, लव है यार। ये बात भी पहले नहीं बता सकते थे तुम? यार पहले की बात और थी, और वैसे भी अब डॉली ये शादी नहीं करना चाहती। ये डॉली ने तुम्हें कहा? नहीं लेकिन मुझे पता है। तो दिमाग खराब हो गया है। पूरे फैसलाबाद के हाथों पेटोगे तुम? तुमने उस बंदे की हाइट देखी? अल्टीमेट गुंडा है वो। गुंडा हो या मेला, वो डॉली को डिजर्व नहीं करता यार। और तुम जैसे बड़ा डिजर्व करते हो उसे? नबील सीरियसली, डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट यू डूइंग राइट नाउ? सुखी, मैं जो भी कर रहा हूँ ना बिल्कुल सही कर रहा हूँ, और वैसे भी वो मुश्ताक वो डॉली के लायक नहीं है। अच्छा, और तुम हो? हूं या ना हूं, एटलीस्ट मैं उससे प्यार तो करता हूं, और वो मुश्ताक वो तो सिर्फ अपनी ईगो और कन्वीनियंस के चक्कर में उससे शादी कर रहा है। तुम्हें कैसे पता? मुझे मुश्ताक ने खुद बताया था शिकार वाले दिन। या हाँ बिल्कुल, कसम से यार मैं झूठ नहीं बोल रहा। नबील प्लीज यार, तुम लोग मेरे इतने पुराने दोस्त हो, तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि तुम झूठ बोल रहे हो। और सुखी तुम,
I hate you. But I love you, na. अच्छा डॉली को पता है ये सब? वो स्टुपिड प्रेशर में आके वो खुद झूठ बोल रही है. अच्छा तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे तुम शादी से डॉली को भगा के शाहरुख खान बनना चाहते हो. यार राइट तकरीबन. लेकिन मेरी सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि दिलवाले दुल्हनिया में एटलीस्ट सिमरन तो मान गई थी, यहाँ पे तो दुल्हन को भी मनाना पड़ेगा. तू क्यों हंसी है? बेटा मुश्ताक ने तो तुम्हारी ऐसी कुट लगानी है, ऐसी कुट लगानी है कि तुम याद रखोगे. उसको तो ना मैं देख लूंगा और वैसे भी उसको पता नहीं चलने वाला. उसको तो लगता है आज़र और डॉली का कोई सीन चल रहा है और आज़र मुश्ताक की शादी तोड़ाना चाहता है. क्या मतलब आज़र के और भी कितने सीन्स होने वाले हैं यार? यानी अपेरेंटली आज़र का कोई और भी सीन चल रहा है. लेट्स नॉट इवन गो देयर. बताओ. ओए तू इधर आ, डॉली की डोली सजा. वो कहती है उसकी भी कोई इज्जत है. तो क्या मेरी कोई इज्जत नहीं है? हाँ तुम दोनों की इज्जत है, बस बीच में एक रेलू पट्टा तो मैं ही फंस गया हूँ. चौधरी साहब अगर आपने उस औरत की बातें सुनी होती ना तो आप आज ये ना कहते. बीच बाजार में मुझे बेइज्जत किया उसने. अरे चल बड़ी है जाने दे. बड़ी होगी अपने घर में. मेरा नाम भी मलका रानी है. अच्छा तो फिर मैं क्या करूँ, मुझे समझा क्या करूँ? वो मुझसे माफी मांगेगी. ओए मैं हूं ना तुझसे माफी मांगने के लिए. आपकी नहीं, उसके मुंह से सुननी है माफी. अच्छा चल अगर मैं उसकी आवाज में रिकॉर्ड करा दूं तो चलेगा? जी नहीं. और रानी समझने की कोशिश कर, घर में हालात आजकल ठीक नहीं है. ओए एमी को रफड़ शुरू हो जाएगा, फायदा क्या है, समझा कर? हमेशा मैं ही समझती हूँ. ओए तू ज्यादा प्यारी जो है इस वास्ते. ठीक है अगर माफी नहीं मांग सकती तो मुझे मंजूर है. ये बात हुई ना. जूनी राम मगर मेरी एक शर्त है, डॉली की शादी में मैं भी मेहमान बनकर जाऊंगी और अगर आपने मुझे ना बुलाया ना तो कल प्रेस वालों को बुला के उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगी. रानी मुझे लगता है तू मुझे उस कार से नहीं बल्कि दुनिया से कटा के दम लेगी. जो मर्जी हो, ताने मारे हैं ना मुझे सेमा चौधरी ने, उसके घर में शादी पर ना गई ना तो मेरा नाम भी मलका रानी नहीं. अच्छी जी बिल्कुल ठीक है मुमानी जी. क्या क्या नहीं 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 मुमानी जी आपको थोड़ी कह रही हूँ. अब्बा जी तो वो पागल तो नहीं हो गए? मुमानी जी आपको कैसे कह सकती हूँ मैं. तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ 5 मिनट. 5 मिनट के कुछ लगते मम्मी जी ने देख लिया ना तुम्हारे टुकड़े कर देंगी. अगर मम्मी जी ने देख लिया ना तो मैं कहूंगा 5 मिनट का सवाल है बाबा. अच्छा हटो आगे से, मुझे जाने दो. डॉली अगर तुमने मुझे डॉली 5 मिनट ना दिए तो मैं तुम्हारे पीछे लगा रहूंगा. अच्छा मेरे बाप. बाप? अब मैं कोई इतना बूढ़ा भी नहीं लगता हूँ. अच्छा बोलो 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 क्या चाहते हो? छत पे चलते ना. छत पे क्यों? क्यों डॉली अगर तुमने मुझसे सवाल पूछना बंद ना किए तो मेरे पास बहुत टाइम है तुम्हारे पीछे आने के लिए. अच्छा चलो चले चलो. कपिल आखिर ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो तुमने इतना उधम मचा रखा है? तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. नबील क्या अब बंदा तारीफ भी ना करे? पहले तो बड़ा कहती थी कि कोई कॉम्प्लीमेंट ही नहीं देते. मैं इस बहस में पढ़ने के लिए नहीं आई, तुमने बस यही कहना था ना. तो तुम क्या सुनना चाहती हो? मैं जा रही हूँ. डॉली बात तो सुनो. वो ये देखो कुछ याद आया? लेकिन मेरी तो सालगिरह नहीं है. हाँ लेकिन मेरी तो है ना अगले महीने, तो मैंने सोचा हम साथ नहीं होंगे तो अभी तुम्हारे साथ मना लेता हूँ. वो हुआ क्या है? देखो नबील तुम ये सब करके मुझे और अजियत में ना डालो,
मैं पहले ही बहुत मुश्किल में हूँ। ओहो, मैं तो इतना मासूम सा केक लेकर आया हूँ। नबील, मैंने बड़ी मुश्किल से ये फैसला किया है, प्लीज मेरा और इम्तिहान ना लो। इम्तिहान? देखो, इम्तिहान तो जब हो ना, जब तुम अपनी होने वाली शादी से खुद इनकार करो। वेट अ सेकेंड, कहीं तुम प्यार किसी और से, शादी किसी और से तो नहीं करने वाली? हाँ, यही करने वाली हूँ। कर लोगी? हाँ, कर लूँगी। सोच लो, पूरी जिंदगी का सवाल है। सोच चुकी हूँ। डॉली, इस बात को जानते हुए भी कि मुश्ताक सिर्फ अपनी ईगो के लिए तुमसे शादी करना चाहता है? मेरे घर वालों को तो पसंद है ना वो। तो तुमने अपनी फैमिली को मेरे बारे में बताया? ओहो, तुम अपने घर वालों से बात तो करो। नहीं नबील, वक्त गुजर चुका है। डॉली, अभी शादी भी नहीं हुई और निकाह में। जो हिम्मत तुम्हारे अंदर है ना, वो मुझ में ना ढूंढो। ठीक है, तो फिर एक बार मेरी आंखों में आके डालकर कह दो कि तुम्हें मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं। और नीचे सिग्नल भी आ रहे थे ना, इसलिए मुझे यहाँ पर छत पे आना पड़ा। अंकल, हेलो। मैं अभी करता हूँ। हाँ भाई, तुम क्या कर रहे थे? टाइम अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या हो रहा था? यहाँ वो मैं छत पे आया था, मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो वो मैं ऊपर धरा। हाँ, वो देखो ना, हमारी उम्र में भी जो है ना, मोबाइल के सिग्नल नहीं आते, तो लिहाजा हमें ऊपर जाना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि हाँ बेटा, हाँ, हमारे जमाने में तो मोबाइल में नहीं होते थे, लेकिन फिर भी सिग्नल के लिए हम छत पे जाते थे। जी अंकल, बिल्कुल। तो एक्सक्यूज मी। हाँ, आज़र का देर तक ऑफिस पर रुकना, लेट घर आना, आपका घर तक पहुंच जाना और यहाँ पहुंच जाना। आई मीन, यू आर अट्रैक्टिव, आप उसकी बॉस हैं, डिवोर्स्ड हैं, और फिर आज़र के साथ ये स्पेशल ट्रीटमेंट। सब सुनकर तकलीफ हो रही है ना आपको? अब समझ आए कि आपकी डिवोर्स क्यों हुई थी। सब आप फोन क्यों नहीं उठा रही यार? हाँ भाई, किधर हो? काम की क्वांटी, मैं साइट पर गया हुआ था। सारा दिन? जी, वो काम खत्म करना है, क्योंकि आगे फिर शादी के लिए छुट्टियां लूंगा। गुड। अंकल से मिले? जी, मिला था सुबह, सरसरी मुलाकात हुई। और सिला? देखो बेटा, आई नो, या बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और किसी और शख्स को बीच में नहीं बोलना चाहिए, लेकिन उस दिन जो हुआ वो। आंटी देखें, मैं इतने जल्दी पेशेंस लूज करने वालों में से नहीं, लेकिन ये बहुत अरसे से हो रहा है। मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी कोई लिमिट है। प्रेगनेंसी में औरतें ऐसी हो जाती हैं। क्या मतलब आंटी, ऐसी कि उसका जो जी चाहेगा वो कह देगी, जिसके सामने जो मर्जी आएगी वो बोल देगी? होते हैं ना मूड स्विंग्स। आंटी, मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन अब अपने मियाँ पर शक नहीं करता। शादी से पहले मैं उसे डॉली के बारे में कन्विंस करता रहा, और अब आई नो सिला को कुछ गलत फहमी हो गई है बस। आंटी, अगर आप जानती हैं तो प्लीज़ उसे समझाएं, प्लीज़। मैं उसके लिए अपना करियर छोड़ के आया हूँ, यहाँ पर डबल मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी उसे एतराज़ है इस बात पर। आज़र, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी अटेंशन चाहती है। आंटी, बात अटेंशन की नहीं है, उसके दिल में डर बैठ गया कि कहीं अंकल की तरह मेरी जिंदगी में भी कोई दूसरी औरत ना आ जाए। I'm sorry. तुम ठीक कह रहे हो, बस गलतियां ऐसी होती हैं जो इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। मैं सिला से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर वो मेरी मोहब्बत का ऐसा इम्तिहान तो ना ले जिसमें मैं फेल हो जाऊं, क्योंकि फिर हार हम दोनों की होगी। डॉली, पे बैठने के बाद तो बड़ा रूप चढ़ा है। अब इतना भी नहीं चढ़ा,
मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा। सुकी तुम बताओ रूप चढ़ा है कि नहीं चढ़ा? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। क्यों विकी? हाँ हाँ बहन किस क्या है? प्लीज बस कर दो, वैसे दिस इज नॉट फेयर यार। ये लड़कियां जिनकी शादी होती है उन्हीं के ऊपर रूप क्यों चढ़ता है, हम पे क्यों नहीं चढ़ता? बहुत मिस कर रही हो लैला, तुम्हारी भी करवा दूं? बुलाऊं मम्मी जी को? क्यों विकी भाई? प्लीज फिकर मत करो, तुम्हारी मम्मी जी इसकी सास के साथ नीचे बैठी हुई हैं, बहुत बिजी हैं। ओह यस, मुझे नीचे जाना था। क्यों? ओहो बड़ी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। आई लव यू। व्हाट? क्या? आई लव यू सुकी यार, यू नो दैट। ओह आई लव यू टू। कितने पैसे चाहिए? नहीं नहीं सच बोल रहा हूँ, शादी किसी और की हो रही है और रूप आप पे चढ़ा है। वैसे लगता है कोई अपनी शादी से खुश नहीं है। नबील तुम जब भी कोई बात करना बुरी बात करना, और तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो उस रूम में? वो विकी को नीचे बुला रहे हैं और लैला तुमने मुझे बुलाया था गिफ्ट रैप। वो हाँ रैपिंग पेपर, मैंने इसे रैपिंग के लिए बुलाया था। सिसेस भी है, रैपिंग पेपर भी है, वो स्कॉच टेप रह गया। सुभी चल, चलो चलो चलो। स्कॉच टेप के लिए मैं क्यों जाऊं? हां हां स्कॉच टेप की रैपिंग, रैपिंग। विकी तुम भी चलो ना। नहीं नहीं मैं स्कॉच टेप ढूंढने चलो। तो आपने क्या सोचा? वो रैपिंग पेपर किस कलर के चढ़ाने हैं? आई डोंट नो जी। ये जी सारे जोड़े जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हैं, और विकी पुत्र ये मैं तेरे लिए लाई हूँ। खाला ये काफी लाउड है। पुत्र इसका कुर्ता बना लेना। चुप करते के लावा के खींच के हैं, इतने प्यार से खाला लेके आई है। और ये रबिया जी जी आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? नहीं तकलीफ की क्या बात है, ऐसे क्या बात है। और ना अम्मा जी ये मैं बिल्कुल आपके मुताबिक लाई हूँ, बरात वाले दिन पहन लेना आप। अम्मा बड़ी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हो रहा है भाई? सलाम अलैकुम, सलाम अलैकुम। अच्छी सलाम। खाला को दंदल पड़ने लगी, पानी लेके। आप ऐसे करें, आप ये पी लें पानी, मैंने अभी पिया नहीं है। हाँ ऐसा ना हो कि जान ही निकल जाए आते आते। आप तो वैसे भी बहुत ही वैसे खूबसूरत हैं फराज साहब, मैंने आपकी फिल्में यकीन करें तीन तीन बारी देखी है, तीन तीन बारी। शुक्रिया। तुमिता वैसे हकीकत में ज्यादा गुड लुकिंग है। सेमा। अच्छा तो मैं आपसे एक बात कर लूं कि अगर आप मैंड ना करें तो मैं आपके साथ तस्वीर खिंचवा लूं? तस्वीर वो बात देखिए, शाम को फंक्शन में तो तस्वीरें खींचनी है, वो उस वक्त तो खींच जाएंगे। ले दसो उस वक्त तो हमें टाइम ही नहीं होना, हम तो मेहमानों में और रस्म रिवाज में बिजी चल रहे होंगे ना। नुची चल कैमरा निकाल लाइए। हां लाई हूं। ये ले बाजी, आप तस्वीर खींच ले हमारी ना, हम लोग सोचती नहीं। हाँ रबिया खींच लो तस्वीर। मैं अच्छा वो आप ऐसे करें, आप जरा करीब हो जाए ना। अच्छा अच्छा रबिया जी जी वो बरा जरा, हाँ नहीं बैठे आप। अच्छा बैठ जाए साहब, बिल्कुल आप ऐसे करें, हाँ कंधे पे रखे, बिल्कुल यही करें। एक मिनट ठहरना जरा, सोफा उधर खाली है, अच्छा नहीं लगता, मैं भी बैठ जाती हूं। टूट जाएगा साहिमा जी? हां नहीं टूटा, मैं पूरा भार तो नहीं डालने लगी। अच्छा अच्छा फराज साहब आपने इस तरह पोज मारना है जैसे हम तीनों बचपन में इकट्ठे खेले। करीब हो जाए ना फराज, जरा करीब हो। अच्छा मान से फराज आप इधर देखे ना, आप इधर क्यों नहीं देखे? सिला तुम्हें होटल जाके सबा से ये सब बात करने की क्या जरूरत थी? How could you be so rude? Listen, I was really angry, okay? अच्छा, अब तुम्हें गुस्सा नहीं है? अब तो तुम्हें आदर की बात सुनने के बाद शर्मिंदगी हो रही होगी? ऐसी कोई बात नहीं है, मामा ने तो ये सब कुछ कहना ही था ना उसे। प्लीज झूठ बोलने की जरूरत नहीं है सिला, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी तुम गिल्टी होती हो ना, तुम्हारे चेहरे पर ना ये पपी एक्सप्रेशन आ जाता है। अब क्या करूं मैं सुखी? मुझसे क्यों पूछ रही हो?
मुझसे पूछ के गई थी तुम वहां पे। अब वेट करो कि सबा आज को ये सारी बात बताए, उसके बाद वो घर आके ना तुम्हारा गला दबाए। I don't believe you, Sela. लैला कहाँ है? ये क्या हुआ? वो कुछ नहीं, वो कैंची से थोड़ा सा कट गया था। थोड़ा सा कट गया? इतना सारा खून निकल रहा है। ओहो, ठीक हो जाएगा। तुम्हें जब रैपिंग करनी नहीं आती तो किसने कहा था करने के लिए? इतना बड़ा कट लगवा लिया। ओहो छोड़ो ना, अभी बंद हो जाएगा। एवी बंद हो जाएगा, इन्फेक्शन हो गई ना तब पता चलेगा। अच्छा तुम रुको, मैं परफ्यूम लेकर आती हूँ। ओहो रुक जाओ ना, इसकी जरूरत नहीं है। चुप करके यहाँ बैठ जाओ, जरूरत नहीं है। जरूरत है। और सुनो, लगेगा लेकिन प्लीज लड़कियों की तरह शोर मत मचाना। शोर मत मचाना, दिखाओ। लगा? लगेगा कैसे? क्यों? परफ्यूम तुमने अपनी उंगली पे लगाया है। क्या? सॉरी, दिखाओ। डॉली, तुम अभी भी ये कहोगी कि तुम्हें मोहब्बत नहीं है? डॉली, तुम मुश्ताक के लिए सब करती? देखो डॉली, मैं अभी भी वक्त है, एक एक बार कोशिश तो करके देखो। नबील, तुम अभी जाओ यहां से। बात तो सुन रहा हूँ। मैं बता रही हूँ, अगर मैं शादी पर ना आई तो ऐसी की तैसी कर दूंगी। करूँ फोन मीडिया वालों को? ओए अच्छा, कुछ करता हूँ कुछ। आवाज नहीं आ रही, आप दोबारा करें। हाँ, अरे चौधरी साहब कहाँ हैं आप? जी मुसीबत में जी, फराज साहब। अरे हाँ चौधरी साहब, ये शादी ब्याह के घरों में तो बहुत काम होते हैं ना, मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी। वैसे मैं लिस्ट चेक कर रहा था चौधरी साहब, आपने तो बहुत ज्यादा गेस्ट बुला लिए। और कितने जी, लोग तो फिर भी नाराज हैं कि हमें नहीं बुलाया। मैं तो ये समझ रहा था कि आपने मेरे हिस्से के भी गेस्ट बुला लिए। आपके से गेस्ट? फराज साहब, आपसे एक बड़ा जरूरी काम है। हाँ हाँ करे। वो फराज साहब मेरे एक बड़े पुराने जानने वाले हैं। उनका तो बेचारे का इंतकाल हो गया, उनकी बेटी है, उसको मैं बुलाना चाहता हूँ शादी। शादी में तो वो बुला ले, इसमें क्या हर्ज है? बात ये है जी कि वो स्टेज एक्ट्रेस है, आपके कबीले की। हमारे कबीले की? झिंगा लाला हूँ जी। जी वो बात ये है जी कि सहमा ऐसे लोगों को बुलाना नहीं पसंद करती। नहीं नहीं, इसमें कौन सी बुरी बात है? देखिए ना, फनकार भी तो इंसान होते हैं ना। मैं तो खुद उससे ये कहता हूँ जी, अब देखिए ना, इतनी पुरानी वाकफियत है उन साहब से, मुझे तो बड़ा समझ नहीं आ रही जी क्या करूँ। मैं समझ सकता हूँ। फराज साहब, आप अगर मेरी मदद करें तो काम हो सकता है। मैं? लेकिन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? सर वो बात ये है कि अगर आप उसे अपनी तरफ से इन्वाइट कर लें तो सहमा को कोई इतराज नहीं होगा। मगर चौधरी साहब, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं। और सर अपनी मलका रानी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस थी, आजकल छोड़ चुकी है। वो तो ठीक है, लेकिन सर आज एक समधी को दूसरे समधी की जरूरत पड़ गई है जी।
मैं आपका हमेशा मशकूर रहूंगा। देखिए मेरे हाथ जुड़े। नहीं 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 चाचा, देखिए प्लीज आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं कह देता हूँ, मैं बात कर लूंगा साहब। मैं आपका एहसान सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। फिक्र ना सर, बड़ी मेहरबानी सर। मैं तो जिस वक्त बाजार जाती हूँ ना, मैं आगे पीछे कुछ नहीं देखती होती कि कितने की चीज है। मैं ये अच्छा जी। हाँ फराज जी, आपने बड़ी देर लगा दी। वो जरा बात लंबी हो गई थी। सायमा जी, मैं ये देख रहा था कि आप लोगों ने काफी लोगों को इनवाइट किया शादी पे, अगर एक आधा गेस्ट मैं बुला लूँ तो आपको कोई एतराज तो नहीं होगा? ये भी कोई पूछने की बात है फराज जी? ये बात पूछ के आपने मुझे नाराज सा कर दिया कुछ। नहीं नहीं, हाँ। अब जब तक आप बुलाएंगे नहीं ना, मैं मानूंगी नहीं। तो फिर आप फौरन मान जाएं, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी इनवाइट कर चुका हूँ। हैं, कौन है? जी वो स्टेज की एक्ट्रेस है, मलका रानी। मुझे स्टेज पे मिला, याद है तुझको? मलका रानी, हाय जो कितना प्यारा डांस करती है। फरहस, क्या जरूरत थी उसे बुलाने की? देखो अब तुम कोई नया इशू खड़ा मत कर देना। शादियों पे फनकारों को बुलाना क्या मना है? सायमा जी, आपका कोई मसला है? मेरा तो मसला ही खत्म हो गया, मैं तो आप मसली गई। अरे बाप, फिर तो लाए हाथ मारे। ए ये क्या हुई ना बात? तैनू बड़ा शौक है टपदी पई सी, डांस देखने का तेरा शौक नहीं पूरा हुआ? फमीदा, हाय दो दो सेलिब्रिटियां आएंगी शादी पे, कितना मजा आएगा। बहुत आ जाए। सिला? हाँ नानी से को मैं आ रही हूँ बस। नहीं, there's someone else to see you. आ जाए। हाय सबा। हाय, अब मैं पे जा रही हूँ मेकअप बाल वगैरह। हाँ I'm sorry, मैं इसी तरह चली आई। Actually, मैं आज लाहौर जा रही हूँ। नहीं, it's okay, आप बैठिए। वो Azhar's just gone out. I know, मुझे सुकैना ने बताया था, मगर मैं तुमसे बात करने आई थी। जी देखो मैं I'm really sorry, जिस तरह मैंने बिहेव किया आपके साथ मुझे नहीं करना चाहिए था। It's okay. शायद तुम्हारी जगह मैं होती तो ऐसा ही करती। जब मैंने अपनी फैमिली को अमेरिका में छोड़ा और इधर आई, मैंने अपने अकेलेपन के हिसाब से अपनी ज़िंदगी सेट कर ली। फिर मुझे आज़र मिला और उसने मुझे रियलाइज़ कराया कि अकेले रहना कोई ज़िंदगी नहीं है। शायद इसी रियलाइजेशन की खुशी में मैं उससे इतना क्लोज हो गई कि तुम सफोकेट होने लगी। आई डोंट नो तुम मेरा यकीन करोगी या नहीं, लेकिन आज़र और मेरे दरमियान कुछ नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता। वो तुमसे इतना प्यार करता है कि वो किसी और से नहीं कर सकता। I don't know what to say. मैं तुम्हें गिल्टी फील कराने नहीं आई हूँ, मैं तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई हूँ कि तुमने मुझे सही वक्त पे अपनी पोजीशन का एहसास दिलाया। वरना आज़र जैसे स्वीट और जेन्युइन इंसान के साथ एनीबडी कैन गेट कैरिड अवे। एनीवे अब बहुत देर हो गई है, मुझे लाहौर पहुँचना है। प्लीज़ डॉली को मेरी तरफ से मुबारकबाद दे देना। आप शादी तो नहीं, पहले ही बहुत देर कर चुकी हूँ, मैं आज ही चली जाऊँगी। Why don't you stay? आज़र बस आता होगा। इसीलिए तो उसके आने से पहले जाना चाहती हूँ, बिकॉज नोइंग हिम वो रोक लेगा। I'm really sorry. So am I. And good luck with the baby. अभी से आप मुझे कराची में आके डिलीवरी के वक्त पुश कर दीजिएगा। और सिला, अपने वहम को आज़र और अपने बीच में मत आने देना। थैंक यू। हाफिज़। हाफिज़।
अरे भाई अब लड़कियों ले आओ इसको, ये लड़कियां कहाँ गई? वो पता नहीं आंटी। उफ, अभी तक तुमने फूलों का जेवर भी नहीं पहना। साइमा जी शोर मचा रही है, मैं भेजती हूँ लड़कियों को। मुश्ताक आया साथ। अच्छा। अरे तुम कैसी दुल्हन हो? दुल्हन तो दूल्हा का नाम सुनकर एक्साइटेड हो जाती है, तुम उसके आने का सुनकर भी बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस हो। वो दरअसल आंटी थकी हुई हो ना इसलिए। या फिर इसलिए? वो ये आंटी ऐसे ही बस। मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ डॉली, मैं जानती हूँ तुम्हारे और नबील के बारे में, लेकिन अभी तक कोई बात है या नहीं है ये नहीं मालूम। कुछ भी नहीं आंटी। शायद इसीलिए वो यहाँ पहुंचा हुआ है। लेकिन मैंने उसे कह दिया है अब कुछ नहीं हो सकता। तुम ये शादी इसलिए कर रही हो कि अब कुछ नहीं हो सकता, या इसलिए कि वाकई तुम्हें मुश्ताक पसंद है? आपको क्या लगता है? तुम्हारा चेहरा बता रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो गई है, उसे ये लगता है कि उसकी तरह हर कोई आखिरी टाइम पे दाव लगा सकता है। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बोल रहा है ना, और फिर अगर फैक्ट्स देखे जाएं तो नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन आप तो जानती हैं ना मम्मी जी को, वो हमें छोड़ देंगी लेकिन अपनी बहन से नहीं बिगाड़ेंगी। बात की है तुमने उनसे? मैं जानती हूँ मम्मी जी को और अपा जी को। मम्मी जी ने मानना नहीं और अपा जी ने उनके कहे के खिलाफ नहीं जाना। बेटा बात यह है कि वालिदैन कितने भी सख्त क्यों ना हो, उन्हें अपने बच्चों की खुशी सबसे ज्यादा अजीज होती है। पता नहीं, शायद मुझे बात करते हुए डर लगता है। डॉली कब से डरने लगी?
लग गई इश्क कहानी।